पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, कुलभूषण यादव से लेके कराची में दहशतगर्दी के वाकयात, बलूचिस्तान को स्टेबलाइज होने से रोकना, पाकिस्तान के अंदर फसादात करवाना, मुसलमान को दूसरे मुसलमान से लड़वाना और पैसा लगाना, ऑफिशियली सरकारी सतह पर अगर किसी ने टेररिज्म ऑन किया है तो वो इंडिया है। इंडिया का पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है, कितनी अलहदगी की तंजीमें काम कर रही हैं, कितनी तहरीकें चल रही हैं, खालिस्तान मूवमेंट कहाँ पहुँच गई है, इंडियन आर्मी का पोस्टमार्टम, इंडियन पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम, मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है, दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम आरएसएस किस तरह से वहाँ पर मुसलमानों के साथ, कश्मीरियों के साथ और जो दलित्स हैं उनके साथ ज्यादतियाँ जुल्म हो रहे हैं। इंडिया को बिल्कुल पोस्टमार्टम करके दुनिया के सामने रखना है विदाउट कॉम्प्रोमाइज। सिनेरियो जो एडवांटेज है फिफ्थ जनरेशन वॉर का, जो सूरत हाल है पाकिस्तान को दरपेश बहुत सारे मसाइल के जो हम मीडिया पर नहीं देख रहे, ये देखते हैं तो बहुत लिमिटेड कॉम्प्रोमाइजिंग देखते हैं। यहाँ जरा खुलकर बात होगी किस तरह से इंडियन मीडिया काम कर रहा है, उसके पीछे किसका हाथ है, कितना पैसा लगा हुआ है। मोदी जो दुनिया का नंबर वन दहशतगर्द था वो किस तरह से इंडियंस को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ और दुनिया भर में पाकिस्तान को किस तरह रुसवा कर रहा है, उन तमाम चीजों पर बात होगी। बहुत इंतहाई तहकीकती रिपोर्ट्स फैक्ट्स के साथ, बहुत चंद जर्नलिस्ट होंगे जिन्होंने इंडिया के इतने दौरे किए होंगे, इतनी जगह पर काम किया होगा, इंडिया को बहुत खंगाला है, बहुत सारी चीजें सामने लेकर आऊंगा।